विधानसभा हलका डेरा बाबा नानक तो कांग्रसी उम्मीदवार ते उप मुख्यमंत्री पंजाब सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों अपनियां सरगर्मियां तेज कर दित्तियां गईयां हन। रोजाना ही एक दर्जन तो वध पिंडां दे हंगामी दौरे किए जा रहे हैं। डेरा बाबा नानक दे वख-वख पिंडां विच संबोधन करते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों आम आदमी पार्टी अते अकाली दल ते तिखे हमले किए गए। रंधावा ने कहा कि उन्हां वालों पिंडां अते शहरां विच विकास करन दे विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डी। जिहड़े पिंडां दीआं नालियां ते गलियां गार नाल भरियां हुंदियां सन, जिथों लंघना भी मुश्किल हुंदा सी, ते हुण साडी सरकार ने गलियां नूं शीशे वांग बना दिता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नवजोत सिद्धू अते मजीठिया दे विच टक्कर बारे गलबात करदे हुए कहा कि उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। सत्कारयोग सामने बैठे प्रभु जसु मसीह जा गुरु गोबिंद सिंह जा गुरु साहब मोहराज पट्टी दिव्या पंजाब टीवी जी अपने दिमाग च रखनी चलनी पैनी है कि तुहाडा पिंड पुराना अकाली ते टकसाली पिंड सी। इत्थों अकाली दल का मुढ़ सी तुहाडा पिंड, बेशक भाई गुरदास जां डाक्टर साहब जिहड़े सी उस वेले दो बंदे कांग्रेस लई इत्थों चलदे हुंदे सी। कांग्रेस जितदी पूरे जिले इत्थों इलाके च, रंधावा साहब दोवें वारां तिन्नें वारां बड़ी ठोक के जिते। जदों 71 दी लड़ाई आई, 80 च तुहाडे पिंड रंधावा साहब जित के गए सी, फिर मैं भी जितदा रहा। अज दो तीन मेरे क्रिश्चन भरा बैठे ने। देखो जिस वे बीजेपी ते अकाली दल इकट्ठा होंदा उस वे पंजाब च दुआवां जिहड़ियां बंद होंदियां, ते जे कांग्रेस आ जाए ते उदों क्यों नहीं होंदी। तुसी मेरे ख्याल तुसी तुहाडे चों काफी लोग जिद्दण इत्थे तुहाडी कन्वेंशन होई है फतेहगढ़ कलानौर, तुहाडे चों काफी लोग गए होणगे, उधर ठाठा मारदे उत्थे इकट्ठ सी। जिस तरीके दे नाल उत्थे हैलेलुया दे नारे लगदे सी, ते प्रभु उस दिन इवें नहीं लगता जिवें प्रभु यसू मसीह आप विच खड़े ने। मैं ये तुहानूं जटो तां गल सुनाई आ कि असी गुरद्वारे संगरांद वाले दिन किन्ने क जाने, चलो तुसी मैनूं दस्स दो। बाबे ने जिहड़ा कड़ाह प्रसाद बनाया हुंदा उहनी संगत भी पूरी नहीं हुंदी, ठीक मैं कह रहा कि गलत कह रहा? मैं करदा, मैं तुहानूं पुछ रहा। मैं पिंडां जिवें दा आपां लंगर ला दिंदे आ यार, जे किते पिंड दा जिहड़ा तुहाडा डीपू वाला जे किते ओहो ही दाणे पूरे दे दे ते सब तों वड्डा लंगर ओह आ। मेरी लड़ाई की रही है लोगों नाल, मैनूं कहिंदे कि इहो क्या दिंदा सच्ची च बोल जांदा जी, मेरा काम हुंदा है। मैं कहिंदा उह गरीब दी जिहड़ी चीज़ है ना कोई रखियो, इहदी बदअसीस बहुत जे। सरपंचां ने काम कीता तुहाडिया, मैं फिरनियां वेखियां, मैं फिरदा ही रहा इत्थे, की हाल हुंदे सी आ बैठे लोक हाल वाली जी। मैं जो परजा पता दे जाना बीबिया मेरे गाली पईया रहना, उन्हें कहना आ वेख, वह मैं क्या मेरा राज आऊ तो मैं बनाऊ। अगले पास राह बंद कि नहीं किया जो अकाली दल सब तो वाला लीडर। मेरे भैनों भराओ, सरदार निर्मल सिंह जी कोकू ने बड़े जोश ना बोल के गया, बैठ बड़ा वधिया बोलिया। साडा भरा शरीर छोटा जी पर गद के बोल के गया। सारे तुसी मेरे सत्कारयोग भरा बैठे, मेरे तो क्योंकि पिंड ही मेरा अपना, जिन्हें तुसी तशद्दुद जो आप 2007 च इलैक्शन हारे हाँ, जो इस पिंड गुंडा राज नंगा नाच हो कभी नहीं हो।
वाकई बाबे ने गद्दी भी तोड़ के सारा कोई जरा समान भी लुट के लिया। तो मेरे ख्याल कहते पादरी अशोक होना ने कल ओदा अकाली दल का सोपा पाया तो कुट उन्होंने भी बड़ी पई। जेल से एक दिन थोड़ी जहा कई महीने जेल च रहा तो उन्होंने पिंड छड के लुधियाने अपने परिवार को रहना पाया। वह घर से भी कब्जा कर लिया। पता नहीं उन्होंने पादरी साहब न प्रभु मनण वाले कि लगा कि जेडे थोड़े पिंड च रवि कालो कहिंदा ना कि तशद्द नहीं किया तो आ के इधर वेले बाबे वाले यदा की हाल किया। इतों की तलवंडी के जोड़ा वो नाल गया उन्होंने ही पूछ ले कि तेन प्रभु का वास्ता सच बोल। पास्टर पादरी अशोक न पूछ ले कि तेन खुदा का वास्ता ही सच्चाई बोली उ दस दूंगा कि तेरे प्यो ने साढ़े की किया तलवंडी। ये जरा कहना झूठे बच्चे मैं कई बार चैलेंज कर सकता कि दसते सही किया कितने आ तू तो पिंड भजा दिते कलोनी च एक परचा नहीं होया। इन्होंने आख्या कि जो उन्हें बुरा किया क्योंकि तू प्रभु मान लो तुम आख्या जो उन्हें बुरा किया असं उदा का बुरा नहीं कर। आज जी सड़क जिथे तुरे फिरते हैं इतने परचे ही होंगे सी अभी तो नवी गलियां बना दिखा इतों गारे दिन कभी कभी लंघिया गया से पर नाला जरा गा मैं क्या गारा हों जिनी वर इलेक्शन चाहते मीह पै जाता पहली बार थोड़े पिंड धुप लगी जिनी वर मीह पै गया तो दसने होंगे कि मीह पेगा तेन पता लगू कि तलवंडी का की हाल है। तो अज तलवंडी थोड़ी अमरीका वर्गी बनी है हर चीज इतने बनी है। तो जी कुकू गल की नौकरी की बच्चों एक कहो कि पिंडा के नेे अपनी कोई इंडस्ट्री है नहीं दो मिला की एक बटाले वाली तो गुरदासपुर वाली ये अपने बच्चे नौकरियों पर लगने दोवे वर्डियो कर कांग्रेस पार्टी ये अड्डे वाले की बड़ी मांग होंगी है बैठी हो कहने नहीं साड़ा सीवरेज नहीं पैंदा तो मैनू कहने पाइपा पा दो मैं क्या ना पायो मैं यहोजा इंतजाम करूँगा कि दोबारा कभी थोड़े तलवंडी वालों अड्डे वालों ये नहीं आएगी कि साड़ा सीवरेज बंद हो गया जी छोटी छोटी पाइप जी पाई मैं उन्होंने कहा मैं पैसे खराब होने तो मैं फिर पुटूंगा। तो अज इत जो नाला बनेगा सारी जिंदगी कभी थोड़े उत्ते पानी की प्रॉब्लम नहीं आएगी अड्डे के तो लीडर का काम यह थोड़ी है कि लुटना लीडर का काम होता कि वेखना कि मेरे लोग किवें सुखी रहेंगे। जो 33 फुट सड़क बनी तो थोड़े तलवंडी देखो किवें चार चल लगते तलवंडी वाले वैसे तुम मेरे ऐसी भरा जट भरा प्रजापत भरा जिनी तुम मेहनत की इन्नी कोई मेहनत करके इस रुतबे तक नहीं पहुँच सकते जिसे तुम पहुँच जो भी वेखी थोड़े हाथ च रंबी या दातरी वेखी है तो हाथ च गोभी का फुल वेखा इन्नी तुम मेहनत की उतों तुम उठे हो। ये जड़े लैक्चर करते ने ना तो किसी धर्म न मानते जी ये सिर्फ गुंडागर्दी के नाम से राज करते। मैं पूछना चाहना कि नशे वेचने बंद करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो जे बिक्रम से परचा बने ठीक बने कि गलत बने तो ये जो करे तो सारा अकाली दल पिटी जाता हाए बिक्रम बिक्रम से परचा बनाया चनी साहब ने दोनों ने सू जे कि बोलना उन्हें कहना जी मगरमच्छ क्यों नहीं फड़ते व्डिया मछिया क्यों नहीं फड़ते क्या व्डिया मछियों की बजाय मगरमच्छ फड़ो जिन्हें पंजाब सत्यानाश करता जिन्हें जवानी खत्म कर दी है
ਜਦ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਕਰਮ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ 1600-1700 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖੂਹ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਉਹਨੇ ਇਹ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ 47 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਪ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ